हेडफोन जैक के अलावा जो ऐसी चीज जो मोबाइल फोन सब गायब हो रही है वो पता क्या है, माइक्रो एसडी कार्ड। देखा है तो माइक्रो एसडी कार्ड काफी ज्यादा यूजफुल है। आप एक झटके में अपने मोबाइल फोन का स्टोरेज डबल कर सकते हैं। अगर आपको मोबाइल फोन के अंदर डेटा ट्रांसफर करना है तो सारी चीज माइक्रो एसडी कार्ड में डालिए और दूसरी और फोन के अंदर अपने डेटा को ले जाइए। चीजें काफी ज्यादा यूजफुल हो जाती है जब आपके पास एक माइक्रो एसडी कार्ड होता है और आपका आपके डेटा का प्रॉपर बैकअप भी देखने को मिलता है। ये चीज काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। लेकिन बात करें तो पिछले काफी लंबे समय से धीरे धीरे माइक्रो एसडी कार्ड का जो स्लॉट है वो मोबाइल फोन से गायब होता हुआ जा रहा है। काफी महंगे फोनों में अब देखने को मिलता भी नहीं है, बजट फोन्स के अंदर आपको देखने को मिलता है। तो चलिए इसके अंदर बात करते हैं आखिर क्यों यहां पे खत्म कर रही है कंपनी, इसके अंदर जो इनोवेशन हो रहा है वो आपको क्या देखने को मिल सकता है। चलिए इन सबके बारे में यहां पे बात करते हैं। बात करें जो आखिरी बार जो इनोवेशन जो मेमोरी कार्ड के अंदर किया था ना, वो किया था हुआवे ने अपने नैनो मेमोरी कार्ड से, जो कि देखा जाए तो नैनो सिम कार्ड जैसा होता है ना, ठीक वैसे कंसेप्ट लेकर आए थे जिसके अंदर एक छोटा सा नैनो मेमोरी कार्ड होगा जो मोबाइल फोन के अंदर डाला जा सकता है। ये चीज को उन्होंने यहाँ पे इंप्लीमेंट किया था। लेकिन खास बात है कि इसकी जो स्पीड थी वो बराबर थी EMMC 4.5 के, और यही पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जो माइक्रो एसडी कार्ड्स होते हैं ना उनकी स्पीड्स काफी ज्यादा कम होती है। इसलिए काफी सारी जो कंपनीज को ये चीज यहाँ पे पसंद है। मतलब एक एग्जांपल की बात करें, जैसे माइक्रो एसडी कार्ड के अंदर आपको क्लास 4, क्लास 6, क्लास 10 वाले एसडी कार्ड्स देखने को मिलते हैं, यहां तक कि आपको कार्ड्स के अंदर 100 Mbps की स्पीड देखने को मिलती है। लेकिन उसके कंपैरिजन में जो इंटरनल स्टोरेज होती है वो काफी ज्यादा फास्ट होती है। जैसे की बात करें जो EMMC 5.1 होती है उसकी रीड स्पीड 250 Mbps है और राइट स्पीड 125 Mbps है, और वही बात करें UFS 2.1 की तो उसके अंदर लगभग 700 Mbps की आपको रीड स्पीड देखने को मिलती है, और UFS 3.0 2 Gbps की रीड स्पीड के साथ आती है और 400 Mbps की राइट स्पीड के साथ। और जो लेटेस्ट UFS 4.0 है उसके अंदर 4.2 Gbps की रीड स्पीड और 2.8 Gbps की राइट स्पीड है। तो वेल दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एग्जैक्टली यहाँ पे कहानी चल क्या रही है। एक माइक्रो एसडी कार्ड के कंपैरिजन में जो स्पीड होती है आपके इंटरनल स्टोरेज की काफी ज्यादा फास्ट है, और मोबाइल फोन के अंदर का सारा का सारा डेटा अगर मैं माइक्रो एसडी कार्ड के अंदर डालूंगा ना तो इससे फोन की परफॉर्मेंस पे काफी ज्यादा फर्क पड़ जाएगा। काफी सारी एप्स का अगर डेटा वहां पर होगा तो उसे लोड करने में दिक्कत आएगी। यहां तक कि आज के समय में लोगों को हाई रेजोल्यूशन में फोटोग्राफ्स खींचनी है, वीडियोस बनानी है और 4K रेजोल्यूशन में अगर रिकॉर्डिंग करनी है, और ये सारी चीज अगर माइक्रो एसडी कार्ड के ऊपर लोड डालूंगा तो डेफिनेटली इसका जो एक्सपीरियंस है वो काफी ज्यादा हिंडर हो जाएगा। और कुछ केसेस तो ऐसे हो सकते हैं, अगर आप स्लो एसडी कार्ड के अंदर अगर ज्यादा बड़ी फाइल को रिकॉर्ड कर रहे हो तो कई बार फाइल यहां पे करप्ट वगैरह भी हो सकती है। और एक वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल रीजन था जिसका कंपनी ने यहां पे एक्सप्लेनेशन दिया था कि यहाँ पे हम अक्सर इसे अवॉइड सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ पे हम चाहते हैं कि लोगों को एक अच्छा एक्सपीरियंस दिया जा सके। लेकिन इसके बाद की जो कहानी है ना वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि बात करें तो आज के समय मार्केट में फास्ट एसडी कार्ड्स भी अवेलेबल है जो अक्सर आपको कैमरास के अंदर देखने को मिलते हैं, तो आखिर कंपनियां उन्हें यहां पर क्यों यूज नहीं करती। आप लोग क्या लगता है जो कैमरा के मेमोरी कार्ड होते हैं क्या वो सस्ते आते हैं? ऐसा नहीं है। 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 तक के एसडी कार्ड यहां पर देखें, देखा है तो अल्ट्रा फास्ट स्पीड के साथ आते हैं जिनकी रीड और राइट स्पीड ऐसी होती है कि यहाँ पे आप 4K वीडियो, 4K 60fps, इवन 8K वीडियो को भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। लेकिन डेफिनेटली बात की जाए तो कैमरे का यूज केस काफी अलग होता है। जैसे मोबाइल फोन के अंदर आप सारा डेटा भर के एक साथ शेयर कर सकते हैं ना, कैमरे के अंदर क्या रहता है आपको ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है, और इसीलिए कंपनीज के लिए जो एसडी कार्ड है वो एक्सेसरी की तरीके से यहाँ पे काम करता है। लेकिन बात की जाए तो मोबाइल फोन कंपनीज ने भी यही चीज यहाँ पे शुरू करी थी, इसलिए आपको सैमसंग जैसी कंपनी की तरफ से भी एसडी कार्ड्स वगैरह यहाँ पर देखने को मिलते हैं जो कि मोबाइल फोन का स्टोरेज यहाँ पे इंक्रीज कर सकते हैं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये आता है कि जब से स्मार्टफोन यहाँ पे पॉपुलर होने लगे और खास तौर पे आईफोन, तो वहां पे आपने कभी लोगों ने नोटिस किया कि कंपनी जो रहती है वो अपने महंगे रैम और स्टोरेज वाले वर्जन भी निकालती है। मतलब कि मान लीजिए कि एक कंपनी ने यहाँ पे फोन लॉन्च किया, फोन का जो बेस मॉडल है उसकी कीमत रखी गई है 20,000 रुपए जिसके अंदर आपको 120 GB की स्टोरेज है, लेकिन वही जो 256 GB वाला मॉडल है और उसके अंदर मान लो 12 GB रैम उन्होंने डाल दी तो उसकी कीमत कंपनी ने कर दी 25,000 रुपए, और 20,000 रुपए वाला फोन हमें लगता है कि वैल्यू फॉर मनी क्योंकि उसके अंदर हमें डील काफी अच्छी मिल रही है, लेकिन बदले में स्टोरेज हमें काफी कम मिलता है। कि जो लो रैम और लो स्टोरेज वाला मॉडल होगा वो एक एंट्री मॉडल होगा और उस पे वो ज्यादा पैसा नहीं बनाएंगे, उस पे वो मार्जिन बहुत ही कम रखेंगे। लेकिन जब हायर रैम और स्टोरेज वाला मॉडल निकालते हैं तो हायर रैम स्टोरेज बनाने में मान लो कंपनी को सिर्फ 500 रुपए का खर्च आ रहा है, लेकिन कंपनी उसे 2,000-3,000 रुपए ज्यादा में बेच सकती है जिससे कंपनी का जो मार्जिन होता है वहां पे ज्यादा निकलता है। और एक सबसे बड़ी चीज है कंपनी के साथ, वो चाहती है ज्यादातर जो लोग है उसका हायर
हायर रैम और स्टोरेज वाला मॉडल यहाँ पर ले। आप देख सकते हैं किस तरीके से जिन फोन में एसडी कार्ड नहीं आता उनके अंदर लोग ज्यादा हायर रैम और हायर स्टोरेज वाला वर्जन लेना पसंद करते हैं और कंपनी भी उसी पे ही यहाँ पे मेजोरिटी प्रॉफिट बनाती है, क्योंकि जो कंपनीज है वो चाहती नहीं कि लोग जो है वो सबसे सस्ता वाला मॉडल खरीद के उसकी स्टोरेज बढ़ा ले। यार ये बात यहाँ पे बिल्कुल फैक्ट हो जाती है, लेकिन इसके बाद दिमाग में एक सवाल आता है कि आखिर जो सस्ते फोन होते हैं बजट फोन उनके अंदर क्यों एसडी कार्ड स्लॉट दिया जा रहा है। वेल इसलिए क्योंकि आज के समय में जितने भी बजट फोन है ना उनके अंदर एक इंपॉर्टेंट फीचर है। मतलब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो महंगे फोन से हेडफोन जैक गायब हो रहा है, लेकिन क्या बजट फोन से गायब हो रहा है? नहीं, क्योंकि बजट में जो लोग हैं उनके पास वायर्ड ईयरफोन होते हैं और वो उन्हें यूज करना पसंद करते हैं। इसलिए कंपनियां कुछ भी कर ले लेकिन बजट फोन से हेडफोन जैक नहीं हटा सकती, क्योंकि वो अगर हटा देंगी तो कहीं ना कहीं उनकी फोन की सेल्स को अफेक्ट करेगा। महंगे फोन से अगर वो हटाएंगी ना तो कम से कम उनके पास एक मौका रहेगा एक वायरलेस ईयरफोन बेचने का। लेकिन आप खुद सोचिए कि कोई इंसान अगर सिर्फ 10,000 रुपए का फोन खरीद रहा है, क्या उसके पास 1,000-2,000 रुपए का एक्स्ट्रा बजट होगा एक वायरलेस ईयरफोन खरीदने के लिए? नहीं, उसके पास जो पुराना सस्ता वाला वायर्ड ईयरफोन होगा वो उसे यहाँ पे यूज करेगा। और जो बजट स्मार्टफोन एक ऐसी चीज है जहाँ पे जो लोग हैं वो महंगा रैम और स्टोरेज वर्जन खरीद से भी कतराते हैं, क्योंकि कीमत उनकी 1,000-2,000 रुपए हो जाती है। और बजट फोन के अंदर सबसे बड़ी चीज रहती है कि 100-100 रुपए में डील बनती बिगड़ती है। 100 रुपए या 500 रुपए भी कंपनी ने अगर अपने किसी फोन का प्राइसिंग ज्यादा कर दी उसकी सेल्स पे इफेक्ट पड़ जाता है, और इसीलिए वहां पे कंपनियां मजबूर है एक तरह से क्योंकि उन्हें माइक्रो एसडी कार्ड का स्लॉट देना पड़ता है। इवन डेडिकेटेड स्लॉट ऐसी चीज है जो अभी भी हमें यहां पर देखने को मिलता है। हालांकि बात किया तो माइक्रो एसडी कार्ड एक काफी अच्छे तरीके से इवॉल्व है। आज भी मार्केट के अंदर आपको हाई स्पीड के मेमोरी कार्ड और एसडी कार्ड देखने को मिलते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आपको बजट में सस्ते में हायर स्टोरेज देखने को मिल जाती है, लेकिन जब आपको ज्यादा स्पीड चाहिए रहती है आपको उसके लिए बड़ा खर्चा करना पड़ता है। हालांकि मोबाइल फोन्स तो आजकल ऐसे जो 1 TB के एसडी कार्ड को भी सपोर्ट करते हैं, लेकिन 1 TB के एसडी कार्ड की कीमत यहां पे काफी ज्यादा रहती है। तो क्या लगता है आप लोग के माइक्रो एसडी कार्ड स्लॉट को कंपनीज को अपने सभी फोन्स के अंदर लाना चाहिए या फिर उसे पूरी तरीके से हटा देना चाहिए? यह बात आप मुझे नीचे कमेंट में बता सकते हैं। अगर आप मेरा ओपिनियन पूछेंगे तो मेरे हिसाब से माइक्रो एसडी कार्ड का जो स्लॉट है मोबाइल फोन्स में रहना चाहिए, क्योंकि काफी यूजफुल हो सकता है काफी सारे केसेस के अंदर डेटा बैकअप वगैरह लेना है। हालांकि कंपनीज वाले कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं, वो ये कर सकते हैं अगर आपने स्लो स्पीड का डाला तो हाँ आप उसके अंदर डेटा रख सकते हैं लेकिन कुछ चीजें नहीं कर सकते, और अगर आपको कुछ ज्यादा काम करना है तो एक फास्टेस्ट मेमोरी कार्ड यहां पर लिया जा सकता है। इस टाइप की कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा लेना तो वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी जो स्लो माइक्रो एसडी कार्ड के साथ आमतौर पर देखी गई थी। तो थैंक यू आपके वीडियो देखने के लिए, मैं आप समझता हूं नेक्स्ट वन के अंदर। गुड बाय।